हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड वन सब्जेक्ट इंग्लिश। बच्चों, आप सबको स्कोर मोर इंग्लिश मेरी गोल्ड की वर्कबुक लेनी है। उसमें आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। उसमें फर्स्ट पोयम थी हमारी आफ्टर अ बाथ, उसकी एक्सरसाइज हम वर्कबुक में करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQ। बच्चों, आप सबको भी मेरे साथ आंसर लिखते जाने हैं। फर्स्ट गेम से क्या कौन सा है? द बॉय ट्राइज टू ब्लैंक हिमसेल्फ। ये पोयम में जो बॉय है वो अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है? यहाँ पे ऑप्शन है वेक, ड्राई, प्ले विथ या नन ऑफ दिस। वो अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है यानी कि ड्राई। तो आपको ऑप्शन बी ड्राई पर टिक मार्क करना है। 2 नंबर का MCQ, द चाइल्ड थिंक्स दैट हाउ मच लेस टाइम ही हैड टेक इफ ही वेयर अ ब्लैंक। ये बच्चा क्या सोचता है कि देखो, अगर मैं क्या होता तो मुझे बहुत ही कम टाइम लगता अपने आप को पहुँचने के लिए। लायन, डॉग, रैबिट, किसने? तो इसमें कौन से एनिमल के बारे में कहते हैं? बी, डॉग के बारे में। ये बच्चा कहता है कि अगर मैं डॉग होता तो मुझे कितना कम टाइम लगता। 3 नंबर, वॉट डू यू यूज़ टू ड्राई योर सेल्फ आफ्टर अ बाथ। आप नहाने के बाद किस चीज़ का यूज़ करते हैं अपने आप को ड्राई यानी कि सुखाने के लिए? सोप, टूथपेस्ट, क्रीम के टॉवल। किसका यूज़ करते हैं बच्चों? टॉवल का। तो हम यहाँ पे राइट टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में से आपको आंसर ढूंढ के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। हमारी फर्स्ट ब्लैंक कौन सी है? द चाइल्ड हैज़ अ ब्लैंक नोज। चाइल्ड का नोज कैसा है? शाइनी। डॉग वेट के बाद क्या आएगा? शाइनी। SHINY, शाइनी। द चाइल्ड हैज अ शाइनी नोज। 2 नंबर की ब्लैंक, द चाइल्ड ड्राइज हिमसेल्फ आफ्टर टेकिंग अ ब्लैंक। वो अपने आप को ड्राई करता है किसके बाद? नहाने के बाद। तो उस इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाथ, BATH, बाथ। 3 नंबर, आफ्टर द बाथ द चाइल्ड्स लेग आर ब्लैंक। नहाने के बाद ये चिल्ड्रन के लेग कैसे है बच्चों? कैसे होते हैं हमारे लेग नहाने के बाद? गीले होते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? WET, वेट। तो आप सबको आंसर में लिखना है WET, वेट। 4 नंबर की ब्लैंक, द चाइल्ड विशेस टू बी अ ब्लैंक। चाइल्ड की इच्छा क्या थी कि वो क्या होता तो उसे बहुत अच्छा लगता? डॉग, DOG, डॉग। तो यहाँ पे आप सबको आंसर में लिखना है DOG, डॉग। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन फिल इन द गैप्स वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे देखते हैं सी, ऑन द बेसिस ऑफ द पोयम गिवन आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि यहाँ पे हमें पोयम के ऊपर से कुछ क्वेश्चन दिए हैं तो हमें यहाँ पे आंसर भी लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ। आप अपने आप को किस तरह से ड्राई करते हैं? तो आपको आंसर लिखना है वी ड्राई अवर सेल्व्स विथ अ टॉवेल आफ्टर अ बाथ। क्या आंसर आया? वी ड्राइव अवर सेल्व्स विथ अ टॉवेल आफ्टर अ बाथ। हम नहाने के बाद टॉवेल की मदद से अपने आप को ड्राई करते हैं यानी कि सुखाते हैं। अब हम नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच बॉडी पार्ट्स आर यूज टू वाइप इन द पोयम। या हमने जो ये आफ्टर अ बाथ वाली पोयम लर्न की ना बच्चों, तो उसमें कौन से बॉडी पार्ट को वाइप यानी कि पोछने के बारे में बताते हैं? कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं उसमें? हैंड्स आर यूज टू वाइप इन द पोयम। यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स को वाइप यानी कि पोछने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हैंड्स का।
तो क्या आंसर आएगा? हम हैंड्स की मदद से अपने बॉडी पार्ट्स को पोछते हैं ना बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? हैंड्स आर यूज्ड टू वाइप इन द पोयम। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारा फर्स्ट क्या है? ए, राइट द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यानी कि यहाँ पे आपको जो वर्ड दिया है उसके सेम प्रोनाउंस वाला हमें दूसरा वर्ड लिखना है, तो उसे राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो फर्स्ट है टी आर वाई ट्राई, तो उसका राइमिंग वर्ड क्या आएगा? डी आर वाई ड्राई। तो देखो आप सब लोग रीड करो, ट्राई ड्राई, सेम प्रोनाउंस हो ना बच्चों, ट्राई ड्राई, तो उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। टू नंबर पर है टी ओ ई एस टोज, तो उसका राइमिंग वर्ड है जी ओ ई एस गोज, टोज गोज। थ्री नंबर पर है टी ए के ई टेक, उसका राइमिंग वर्ड आप सबको लिखना है एम ए के ई मेक, टेक मेक। फोर नंबर पर है टी ओ टू, तो उसका राइमिंग वर्ड है डी ओ डू, टू डू। फाइव नंबर पर है एम वाई माई, तो उसका राइमिंग वर्ड होगा एस एच वाई शाई, माई शाई। आगे देखते हैं बी, सी द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे आपको हेल्प बॉक्स दिया है, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो पिक्चर्स है उसके नेम दिए हैं, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करके नीचे नेम लिखते जाना है। तो फर्स्ट ये किसका पिक्चर है बच्चों? टॉवल का। तो देखो यहाँ पे टॉवल का स्पेलिंग है वही आप सबको नीचे लिखना है, टी ओ डब्ल्यू ई एल टॉवल। नेक्स्ट किसका पिक्चर दिया है हमें? सोप का पिक्चर, वो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है, तो आपको वही स्पेलिंग लिखना है एस ओ ए पी सोप। ये थर्ड हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों? शूज का पिक्चर, तो हम नीचे लिखेंगे एस एच ओ ई एस शूज। नेक्स्ट पिक्चर किसका है? शर्ट का पिक्चर, वो आपको लास्ट दिया है एस एच आई आर टी शर्ट। और लास्ट ये किसका पिक्चर है बच्चों? कैप का पिक्चर, सी ए पी कैप। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामर, उसमें फर्स्ट क्या है? ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड नेम द बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे आपको पिक्चर देखना है और ये कौन से बॉडी पार्ट है उसका नेम आपको नीचे लिखना है, यहाँ पे आपको जो ब्लैंक दी है वहाँ पे आपको नेम लिखते जाना है। फर्स्ट ये किसका पिक्चर है बच्चों? आई का पिक्चर, तो आप फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे? ई वाई ई आई। एना पची छे टू नंबर, टू नंबर पे हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों? ईयर का पिक्चर। इस ब्लैंक में आपको आंसर लिखना है ई ए आर ईयर। नेक्स्ट ये किस बॉडी पार्ट का पिक्चर है बच्चों? नोज का पिक्चर, एन ओ एस ई नोज। नेक्स्ट हमें किसका पिक्चर दिया है? ये हैंड का पिक्चर, तो आप सब लोग आंसर में क्या लिखेंगे? एच ए एन डी हैंड। और लास्ट हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों? लेग्स का पिक्चर, यहाँ पे आपको दो लेग दिए हैं तो पीछे एस आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? एल ई जी एस लेग्स। अब हम नीचे देखते हैं, नीचे क्या दिया है? सर्कल द ओड वन आउट, यानी कि यहाँ पे जो ऑड वर्ड हो है उस पर हमें सर्कल करना है। देखो फर्स्ट क्या है? टॉवेल, वाटर, टैप, शूज। तो देखो यहाँ पे ये जो शूज है वो एक ऑड है, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शर्ट, पैंट, मैंगो,
बेल्ट। देखो शर्ट, पैंट और बेल्ट ये सारी पहनने की चीज़ें, और बीच में हमें एक फ्रूट यानी कि मैंगो का नेम दिया है, तो वो एक ऑड है, तो हमें उस पर सर्कल करना है। 3 नंबर पर देखते हैं, बॉल, बैट, क्रिकेट, स्पून। देखो यहाँ पे ये जो बॉल, बैट, क्रिकेट ये सारी खेलने की चीज़ें हमें यहाँ पे दी है जो कि क्रिकेट में यूज़ होती है, और यहाँ पे हमें स्पून एक और दिया है, तो हम उस पर सर्कल करेंगे SPOON स्पून, उस पर आप सबको सर्कल करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉल, स्पून, बैग, प्लेट। देखो बॉल, स्पून और प्लेट वो एक जैसी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे बैग हमें एक ऑड वर्ड दिया है, तो हम BAG बैग पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर पर, ईयर, नोज, हैंड, चेयर। यहाँ पे आपको ईयर, नोज, हैंड ये सारे बॉडी पार्ट का नेम दिया है, और लास्ट में आपको चेयर एक ऑड वर्ड दिया है, तो हम उस पर सर्कल करेंगे। तो बच्चों ये जो मैरीगोल्ड की वर्कबुक है उसमें हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, तो आप सबको भी ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से लर्न भी करनी है और कंप्लीट कर देनी है।